तो अभी सुबह के बज चुके हैं 4। तो वेलकम बैक टू NGP 208 राइडर। तो बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बन रहा है गाइस। और तो अभी मेरी सुबह सुबह मैं उठ चुका हूँ, 3 बजे उठ गया था और अभी बज चुके हैं 4। तो पहले मैं निकलता हूँ विपिन को लेने के लिए, कारण आज मेरी साइकिल कॉम्पिटिशन और सभी कॉलेज की तरफ से है। तो अभी जो कॉलेज में होने वाली साइकिल रेस वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, कामठी रोड की तरफ है। और तो मेरा घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, तो पहले चलते और विपिन को लेके आते हैं और फिर साइकिल से जाते हैं। तो अभी सुबह मैं अभी रेडी हो चुका हूँ, ब्रश भी हो चुका है और तो चलते हैं, पहले विपिन को लेके आते हैं और फिर निकलते हैं। तो गाइस अभी मैं विपिन के घर के पास आ चुका हूँ और सुबह अभी 4:20 हो चुके हैं, थोड़े लेट हो चुके हैं, अभी फटाफट निकलते हैं इसको लेके। तो पहले मैं इसको लेने के लिए आया हूँ, फिर घर पर जाने के बाद साइकिल लेके आएंगे हम। और तो अभी विपिन जूते बन रहा है, तो जूते बनने के बाद अभी निकलते मेरे घर पे और साइकिल लेके निकलते फिर वो कॉलेज जहाँ पे हमें जाना है साइकिलिंग के लिए। और तो मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, बैग वैग ले लिए, सेब ले लिए, केले ले लिए कुछ खाने के लिए। वहाँ पर हम यहाँ से जाएंगे गाइस बर्डी तक मैं साइकिल चलाऊँगा, थोड़ी बॉडी गर्म कर लूँगा और नींद भी उड़ाना है मुझे। तो नींद अच्छे से हुई नहीं है तब भी नींद को उड़ा के हम बर्डी तक साइकिल से जाएंगे, गाड़ी चलाएंगे आज। और तो फिर वहाँ से फिर हम साइकिल बाइक पे लेके निकलेंगे। तो अभी निकल चुके गाइस और चलते मेरे घर पे और साइकिल निकालते बाहर। तो अभी आ चुके घर पे और निकालते साइकिल। तो हमारी साइकिल से कौन सी साइकिल लेते हैं, पहले हेलमेट पकड़, मतलब वो उसको बांध देते, हेलमेट ही देले लाउन देते ना। हाँ गाड़ी से साइकिल से हेलमेट होता था तो टूट लो थे स्केटिंग वाला। तो विपिन ने गाड़ी ले ली है और अभी मैं साइकिल निकालता हूँ। तो ये हमारी है साइकिल, पहले तो हम वो गियर वाली साइकिल निकालते थे साइकिलिंग के लिए, पर आज गियर वाली साइकिल नहीं है, आज सादी साइकिल से जाना है। और ये मैंने लाई है एक साइकिल मेरे दोस्त से। और अभी घर पे 4-4 साइकिल हो चुके हैं, तो अभी चलते हैं, धीरे धीरे छोड़ हो जाएगा। तो अभी निकलते हैं और पहुँचे मिलते हैं डायरेक्ट वो कॉलेज में। और मैं अभी यहाँ से पहले बर्डी तक 10 किलोमीटर साइकिल चला के जाऊँगा, फिर उसके बाद हम साइकिल गाड़ी पे ले लेंगे, कारण मुझे बॉडी गर्म करनी है और ठंडी भी है थोड़ी सुबह सुबह। तो चलते हैं, मिलते हैं डायरेक्ट उस कॉलेज में। तो गाइस कैसे हो आप सब, तो अभी मैं पहुँच चुके हैं विपिन और मैं, और ये पीछे साइड है कॉलेज। अभी तो हम यहाँ पे खड़े थोड़ा खा लेते बोला कुछ। तो पहले गर्ल्स की है रेस, फिर हमारी होगी। तो अभी हम हमारे सर आने के हैं, सर आने के बाद हमें चेस्ट नंबर मिलेगा और खा लेते हम कुछ एप्पल और केले, और फिर उसके बाद सर आएंगे तो फिर चेस्ट नंबर मिल जाएगा हमें। और वो और भी बहुत सारे जना आए हुए हैं तो दिखा दे। अरे गर्दी, मेहनत। तो अभी मैं मैप देख लेता कहाँ से कहाँ तक जाना है और कहाँ से वापस आना है, वो तो मैंने देख लिया था, पर वास्तव में मेरे को घर से बराबर पता नहीं चल रहा था, तो यहाँ से डबल देख लूँगा मैं। तो मिलते हैं अभी सर आने के बाद, और फिर चेस्ट नंबर मिल गया तो बताते हैं। तो अपनी नंबर प्लेट आ चुकी है और दो नंबर प्लेट अपनी मतलब चेस्ट नंबर, और अभी स्टैपलर लगाना चालू है, स्टैपलर लगाते फटाफट चेस्ट को। और तो फिर हमारे सर आने की चाहिए, बहुत लेट कर रहे हैं सर, तो सर के राह देखते हैं, स्टैपलर लगा लेते हैं। 5x3 आपको ये लड़का दिखा तो 5x3 ये नंबर पे कोई संपर्क करे, ये लड़का घूम गया तो फिर उसको ढूंढने में आता नहीं। तो गाइस नंबर लग चुका है और आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो पहले गर्ल्स की होंगी, चलो पहले देखते किस किस की किसकी होने वाली है। तो सब बाहर जा रहे हैं, पहले अंदर आए थे सब और अभी बाहर जा रहे हैं, तो देखते पूछते अपनी है क्या नहीं। तो गाइस देखिए पब्लिक, भैया कहाँ गए थे, अंदर है क्या,
बहुत देर गए थे। तो अभी हमारे साथ आने के और ये पूरी पब्लिक, पहले बॉयज़ का है क्या गर्ल्स का है पता नहीं। लाइटिंग देखो गाइस सही लगाई है मैंने। ग्लव्स दे ग्लव्स गाइस, फुल फॉर्म में रेडी है सब। अबे यूनिफॉर्म में रेडी है कहाँ पर यूनिफॉर्म यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला यूटर्न पहला छोड़ के दूसरा यूटर्न, ठीक है। यहाँ पे आपका रेस फिनिश है 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर का बॉयज का है, 11 किलोमीटर का गर्ल्स का है। और किसी को डाउट है रूट में? डाउट है आपके पहले टाइम जो भी है टेक्निकल उसके पहले आपका स्टैम्पिंग होगा। स्टैम्पिंग के पहले कोई भी मामला नहीं, विदाउट स्टैम्पिंग आप इनवैलिड रहोगे। और फिनिश होने के बाद में आपको चेस नंबर वहाँ से काउंटर लगा है, चेस नंबर का काउंटर वहाँ पे देना है और आपका सर्टिफिकेट वहाँ से लेना है। चेस नंबर के बगैर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। चेस नंबर आपको लेना है। उसके बाद में ब्रेकफास्ट का काउंटर है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! देखा देखा समझ गया? थोड़ा बैठे। One hour later. तो गाइस पहुंच चुका और 13 नंबर आ गया है और सर्टिफिकेट भी मिल गया। सर्टिफिकेट का तो ये हमारा सर्टिफिकेट है गाइस, ये महाविद्यालय गाइस। और कॉलेज का हॉल है, वहाँ पे कुछ तो भी चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है और तो लेक्चर वेक्चर देंगे, प्राइज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और मैं केवल सबसे विनती करता हूँ कि
विजेता खिलाड़ियों का सत्कार सभी आ चुके घर पे और वहाँ से कार्यक्रम ख़त्म हुआ और नाश्ता करके हम फटाफट निकल गए वहाँ से। और अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।